दिया था, जो भी 19, 20, 21 विनर है तब भी कोई इससे लड़ने के लिए नहीं आया, तो इसको कमेटी ने ये तक मन अपने हाथ में दर्द ही यार। हाँ हाँ तो आके यही तो देखो खाना। और बहुत ही अच्छी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों ही पहलवान, और कदकाठी के दोनों ही बराबर हैं। और कलीबा से यही अनुरोध है, दोनों ही पहलवानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, खेल भावना से खेल होना चाहिए। ये पहलवानी भी एक रसलिंग गेम है और गेम को गेम की भावना से खेला जाना चाहिए। और देखे रहना, किसी प्रकार की किसी भी पहलवान को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खेल भावना से खेले। उग्र स्वभाव से प्रांगण में हम नहीं चाहते हैं, कायदे में कुश्ती होनी चाहिए। और दोनों ही पहलवानों को यहाँ इनाम किया जाता है कमेटी की तरफ से, तो फिर हारे या जीते पुरस्कार दोनों को ही है, किसी को कम किसी को ज्यादा। लेकिन हमें सिर्फ कला देखनी है, और जो ग्रामीण दर्शक ही सिर्फ कला की भावना देखना चाहते हैं। और मेरे भाई सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जैसा खेल भावना से प्रांगण सुचारू रूप से चल रहा है, वैसा ही सहयोग आपको मेला में भी देना है। जो माता बहना मेला देख रही हैं, तो वहां पर आप भीड़ एकत्रित ना करें और किसी भी दुकानदार को किसी प्रकार की परेशानी ना पहुंचाएं। और जो हमारे व्यवस्थापक हैं, ये ग्रामीण के नवयुवक सभी व्यवस्थापक हैं, इन सभी से अनुरोध है कि एक एक कोना पकड़कर सुरक्षित दुकानदारों की बिक्री कराएं, किसी भी दुकानदार को किसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अभी लास्ट जो पुरस्कार इसमें बांधा जाएगा वो सिर्फ झंडा की ही कुश्ती होगी, और इसके अलावा कोई कुश्ती अब संपन्न नहीं की जाएगी। और ये झंडिया की कुश्ती है, और इन दोनों ही लिमिटेड, और ये बराबरी की कुश्ती अगर छूटती है तो उनको झंडिया प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ओनली फिर उनको कमेटी की तरफ से कुछ उचित इनाम दिया जाएगा। और इसी झंडिया को झंडे में कन्वर्टेड कर दिया जाएगा अगर नहीं ले पाते हैं। और खलीफा से अनुरोध है, दोनों ही पहलवान इतनी देरी से कुश्ती लड़ रहे हैं, ज्यादा देरी उचित नहीं है, इसीलिए इन पर समय घोषित किया जाए। और दो खलीफा की तरफ से और 5 मिनट कमेटी की तरफ से टोटल टाइम 5 मिनट ही निर्धारित किया गया है। 5 मिनट में तो कुश्ती हार हो या पार हो, उसके बाद सिर्फ झंडे की कुश्ती होगी, और 5 मिनट टाइम घोषित किया गया है अभी से। और ये कुश्ती 4:19 में समाप्त हो जाएगी, और बहुत ही अच्छी कुश्ती चल रही है, और दोनों ही पहलवान बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवान खलीफा का निगाह दर्शकों की तरफ नहीं होना चाहिए, खलीफा का निगाह तो सिर्फ पहलवानों पर होना चाहिए। और कुश्ती बिल्कुल संपन्न हो चुकी है, और नहीं, दोनों ही खलीफा दर्शकों ने बता दिया कि कुश्ती संपन्न हो चुकी है, और झंडिया आप छोड़ सकते हैं, और अनोचा मेरे भाई आप फेंक दे सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी कुश्ती लड़ी है,
और अंगोछा इनको दे देना भाई, आप आ जाए, परेशान नहीं होना, हम आपको नया अंगोछा देंगे। पानी 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 सब प्रकार एक अंतिम कुर्सी होती है। मोहित पहलवान मथुरा, मोहित पहलवान मथुरा जय। अच्छा ये दोनों ही खेल भावना से कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों ही खलीफा से और साथ ही विनोद का व्यवस्थापक से अनुरोध है कि एक बड़ी कलात्मक कुर्सी होनी चाहिए। दोनों ही मजे हुए खिलाड़ी हैं और झंडे की कुश्ती है, छापी भाई कुश्ती मानी जाएगी। और अभी इसमें दो खलीफा, एक हमारे व्यवस्थापक बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखे इस मेला की, और इनसे भी अनुरोध है कि व्यवस्था तो हमारी ग्रामीण जनता अपने आप संभाल लेगी, लेकिन ये दोनों ही कलात्मक पहलवानों से इनकी कला का ही प्रदर्शन देखें और किसी प्रकार की कोई चोट ना आने पाए। और बहुत ही और झंडे की कुश्ती आप सभी को पता है धार धार की होती है और बहुत ही अच्छी, दोनों ही पहलवान बहुत ही अच्छी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी कुश्ती चल रही है और दोनों ही पहलवान बहुत मजे हुए पहलवान हैं और बड़ी खेल भावना से कुश्ती दिखा रहे हैं। और सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है इसके बाद कोई कुश्ती नहीं होगी, इसीलिए आपने आपके सहयोग से आपकी व्यवस्था से इस मेले का और प्रांगण का आयोजन संपन्न बड़ी सावधानी से और सुरक्षा से हो रहा है, तो आप ही इसके सहयोगी हो, आप ही व्यवस्थापक हो, किसी प्रकार की कोई मेला में परेशानी किसी माता बहना को नहीं आनी चाहिए और ना ही किसी दुकानदार को किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। आप खेल भावना से इस खेल का प्रदर्शन देखें, दोस्तों डेमोक्रेसी की परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो यहां हमारे भाई साहब बार बार कह रहे हैं इस बात को फौजी के भाई ये आपकी अपनी व्यवस्था है, क्योंकि प्रजातंत्र में आपकी अपनी व्यवस्था होती है, आप ही सरकार चुनते हैं, तो जहां भी जो व्यक्ति है वो अपनी गर्भों में व्यवस्था बनाए रखे और यहां से दंगल खत्म होने के बाद आप बिल्कुल अनुशासित होकर के जो भी मेला में आपको सामान लेना है उस सामान को ले। और हम अपनी बहने और माओ से अनुरोध करते हैं कि अगर उन्होंने सामान ले लिया हो मेला में तो वो अपने घर उजाले में ही अतिशीघ्र पहुंचे और हमारी व्यवस्था बनाए रखे। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, बढ़िया कुश्ती हो रही है, बहुत ही अच्छे और किसी के हाथ पैर में चोट न लगे खलीफा, इसका आप बहुत बड़ी बारीकी से देखते रहे। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप थोड़ा कुश्ती छोड़वा करके लड़वाए, लेकिन किसी भी पहलवान के चोट नहीं लगने चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखे। धन्यवाद, अच्छा घूम जा, घूम के घूम जाने का ही नहीं है। अरे खलीफा से अनुरोध है और दोनों पहलवानों से अनुरोध है, किसी प्रकार की खेल भावना की कुश्ती होनी चाहिए, ये प्रांगण है खेल भावना का, मैं किसी प्रकार की परेशानी दोनों पहलवानों को नहीं होना चाहिए, एक खलीफा को कर्तव्य है, निगाह सिर्फ आपकी पहलवानों पर होना चाहिए। ठीक,
खलीफा दोनों जो है और दोनों को कला का प्रदर्शन करने देना चाहिए और तो दोनों ही बहुत ही अच्छी कुश्ती का नजारा दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई तकलीफ ही नहीं होना चाहिए पहलवानों को। खेल भावना से कुश्ती होनी चाहिए। बाहरी किसी का भी निर्णय मान नहीं होगा। जो खलीफा निर्णय देगा वो ही कमेटी स्वीकार करेगी। और जो हमारे क्षेत्र से आए सभी भाइयों से अनुरोध है, एक ग्रामीण मेला है, आपके सहयोग से ही संपन्न होता है। और ये खलीफा देखो कहीं गर्दन अंदर में चोट नहीं आनी चाहिए। दोनों ही पहलवानों को भली भांति अच्छे से कुश्ती लड़ाया जाना चाहिए। खलीफा सिर्फ देखते रहे बस। और ये हेलो बहुत ही अच्छी कुश्ती और बहुत अच्छा जो कुश्ती कुश्ती खलीफा का निर्णय मान होगा। खलीफा का जो निर्णय है वही मान होगा। और कुश्ती छपी भाई हो चुकी है, कुश्ती हो चुकी है, खलीफा निर्णय देता है तो यही कुश्ती मानी जाएगी। मेरे भाइयों बहुत ही अच्छी कुश्ती आपने लड़ी है। भरपूर लुक कभी नहीं मिल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शहर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर्मी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसलिए जूझ जाओ, दर्शकों को दिखा दो कि कुश्ती का प्रदर्शन इस वर्ष का अनूठा प्रदर्शन रहा है। आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन। माताओं से निवेदन है कि बंडल छूटने वाला है और आप जो भी आपका जरूरी सामान खरीद रहे हैं सामान खरीद के और अपने घर जाए। और जो हमारी बेटी इकाना से जो पहलवान आई थी जोया पहलवान, उनसे निवेदन है कि वो इधर कमेटी में मिले आकर के उन्हें बिना कुश्ती के ही 1,000 रुपए कमेटी की तरफ से इनाम दिया जा रहा, क्योंकि उन्होंने हमारे इस जंगल की बहुत ही गर्व बढ़ाई है। तो मैं उस बेटी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और 1,000 रुपए हमारे फौजी भाई से लेकर जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है और बिल्कुल खेल की भावना से आप इस कुश्ती का लुत्फ लें। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, सामने से आओ। हाँ, मेरी ये जो महिला पहलवान ये बेटी जोया इटावा से आई है कुश्ती लड़ने को, 100 रुपए इस लड़की को हमारे फौजी भाई प्रदान कर रहे हैं। और खुश रहो भाई, सब लोग तालियां बजाकर उत्साहवर्धन को करिए। और इसके बाद तो नाच कुश्ती हमारी झंडा की हो रही है। तो इसका हमारे दर्शक बड़ी एकता होकर के बेसब लुत्फ ले रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ भाई, है कि आप जो है ना बहुत बारीकियों से देखना, किसी प्लेयर के कोई चोट ना लग जाए और
निष्पक्ष होकर के नारा देना, क्योंकि जो भी जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता। अगर आप लोग जरा भी निष्पक्षता सही तरीके से नहीं दिखाई तो जो है ना आपको इसका जरूर भोगना पड़ेगा। तो बिल्कुल प्रांगण के मैं जितने भी यहाँ के दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस बच्ची के लिए जो जोया पहलवान इटावा से आई है इसके लिए आप लोग सब तालियां बजा करके इस जोया पहलवान का उत्साहवर्धन आवास करें। ये हमारी जो पहलवान है ये इटावा से आकर के और इस ग्रामीण क्षेत्र के इस संबंध में हम लोगों की शोभा बढ़ाई है, इसलिए हम लोग इसकी तालियों बजा करके उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। तो प्रांगण की कुश्ती हो रही, जो भी अपने भाई हैं दोनों भाई सलमान काफी देर से लड़ रहे हैं, इनके लिए कमेटी की तरफ से मात्र 3 मिनट है, 3 मिनट टाइम बस। और ये अभी समय धीरे धीरे समाप्त होता है, खलीफा से अनुरोध है कि दोनों भाई पहलवानों को बराबरी पे कुश्ती छुड़ा दी जाए, ठीक है ना। और बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी कला का प्रदर्शन किया, इनाम के लिए मत घबराइए, आपको उचित इनाम दिया जाएगा। और दोनों खेल भावना से कुश्ती लड़े हो, हमें यह जरूरी नहीं है कि दोनों हारे, दोनों ही विजयी पहलवान, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए।